हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय गुप्ता। हम लोग क्लास 8 का मैथ्स लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स का जो चैप्टर सर्वशमकाएं उसको हम लोग आज देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सर्वशमकाएं, ठीक है, सर्वशमकाएं में जो सर्वसमका इसमें दी हुई है उस उनके रिलेटेड अपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सर्वसमका इसमें जो अपने लिए यूजफुल होंगी, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, एक सर्वसमका ये, दूसरा ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तीसरा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये अपनी सर्वसमकाएं हैं, इन सर्वसमकाओं से रिलेटेड क्लास 8 में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये जो सर्वसमका है इसका अपन को किस तरीके से करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले तो फाइनलाइज करेंगे इसको कि कैसे आंसर आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो जो पहली सर्वसमका है उसको अपन फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट होगा, या ए प्लस बी के होल क्यूब से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी कैसे आएगा। ठीक है, तो एल एच एस अपन लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब इसको अपन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो अपन को पता है, तो उसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी बचा रहने देते हैं। तो अपन ने किया, ए प्लस बी लिखा रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ओपन करते हैं। अब ए का गुणा कराएंगे किसमें, पूरे में ए का गुणा कराएंगे, तो गुणा कराया तो ए का क्यू, अब ए का गुणा बी स्क्वायर में, ए बी स्क्वायर, ए का गुणा इधर 2a स्क्वायर b, अब इधर a स्क्वायर b प्लस बी क्यू प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक, अब अपन को ये लाना है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक, अब ए बी स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर, ये दोनों मिलाई क्या हो गए 3ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, तो क्या हो गया 3a स्क्वायर b। आगे क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें अपन 3ab क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो ये सर्वसमका हमारी फाइंड आउट हुई, कैसे निकालते हैं उसको अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि ये जो सर्वसमका है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इस सर्वसमका का अपन को प्रयोग करना है, और प्रयोग करके क्या फाइंड आउट करना है, वाई प्लस फोर का होल क्यू का विस्तार ज्ञात, विस्तार कीजिए। ठीक है, विस्तार करना है, तो ए प्लस बी का होल क्यू इसको लगाएगा, वाई का क्यू, चार का क्यू क्या हो जाएगा, चार चौके 16 चौके 64 प्लस 3ab, 3ab यानी कि y इंटू 4a प्लस बी वाई प्लस 4 और ज्ञात किया,
वाई क्यू प्लस 64, ये क्या हो गया 4 × 12 y, वाई प्लस 4, आगे किया वाई क्यू प्लस 64, 12 का गुणा अंदर होगा तो 12 y² और 12 × 48 y, वाई क्यू प्लस 12 y² प्लस 48 y प्लस 64, ये अपना आंसर आ गया। और सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले y की जितनी बड़ी घात है, तो y की सबसे बड़ी घात है 3, तो फिर 2, फिर 1 और फिर अचर राशि, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपना इसका इस सबसमका का प्रयोग करके अपन ने इसको ज्ञात कर लिया, ठीक। अब दूसरा लगभग वैसे ही है, तीसरा करते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है उसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक्स प्लस 1/x बराबर 5/2। तो इसी के तो फिर अपन को फाइंड क्या करना है, एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस 1/x का होल पावर क्यू नहीं बोला है, एक्स क्यू प्लस 1/x³ का पावर क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, तो अपन ने किया एक्स प्लस 1/x का क्यू, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू, यानी कि एक्स का क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3ab 3 × 2x इंटू 1/x और इंटू में ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 1/x और एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू अपन को फाइंड करना है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया है 5/2 का अपन ने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, सॉरी क्यूब लिख दिया। इधर क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या आएगा 3, और एक्स प्लस 1/x का मान कितना दिया 5/2, ठीक है। अब 5/2 को क्यू निकालोगे तो कितना होगा 5×25 = 125, और 2 का 2 × 4 × 8, एक्स क्यू प्लस 1/x³ रखे रहना है क्योंकि इसी का तो अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है। इधर आ जाएगा क्या 3×5 = 15/2, तो 125/8, ये प्लस का दस तरफ जाएगा माइनस का 15/2 बराबर एक्स क्यू प्लस 1/x³, ठीक है। तो इसका अपन ने ले लिया लासा, लासा ले लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा लासा, ठीक है। यहाँ 125 × 125, 2 × 8 15 × 60 बराबर एक्स क्यू प्लस 1/x³। 125 × 60 का कितना आया, 125 से 60 घटाओगे 65, तो 65/8, ये एक्स क्यू प्लस 1/x³ का आंसर कितना आ गया, वैल्यू कितना आ गया 65/8 आ गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। 65/8 इसका वैल्यू अपना फाइंड आउट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ठीक है। तीसरे इस तरीके निकाल लिया, 5 देखिए, 5 में किस तरीके सबसमका का प्रयोग करके अपने लिए बेनिफिशियल हो सकता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल फाइव कह रहा है 401 का पावर क्यू का मान ज्ञात करना है, 401 का पावर क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो एक तो सीधे क्यू निकाल दे सकते हैं, लेकिन अपन को सर्वसमका का प्रयोग करके निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 1 का पावर क्यू, अब ए प्लस बी का होल क्यू बन गया, सूत्र लगा दो, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab, तो ए कितना है 400b है 1, और ब्रैकेट में ए प्लस बी 400 + 1, 400 क्यू 4 × 16 = 64, ठीक है, और 0, ठीक है। कितनी 0 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 हो जाएंगे, 1 का क्यू 1, 473 कितना हो गया 1200, यहाँ पे हो गया 401,
ठीक है, इसको आप गुणा किया, 2, 3, 4, 5, 6 + 1 1200 का गुणा इसमें करोगे, ये 1200 है, 1200 अंदर के लिखा 400 + 1 तो 1200 गुणा करोगे किसमें, पहले 400 में, तो 1200 × 400 और फिर 1200 गुणा अंदर प्लस 1200, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 + 1 12 × 48 1, 2, 3, 4 + 1200 ठीक है, इनको जोड़ घटा लोगे, सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 6, 4, 4, 8, 1, 2, 0, 1 ये अपना आंसर। इस सर्वसमका का प्रयोग करके अपन ने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा सर्वसमका है, ठीक है, दूसरी सर्वसमका जो दी हुई है उसको अपन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ए प्लस बी का जो सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू कौन सा था, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अभी उसी पे एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 6वां देखिए, एग्जांपल नंबर 6 है कि सिद्ध करना है एक्स क्यू प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4। अब है क्या जो ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए प्लस बी का होल क्यू तो अपन ने पढ़ लिया, अब एक जो और यहाँ पे काम आएगा सर्वसम का, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यू का प्लस बी क्यू का फंडा है। ठीक, अब इसको अपन को सिद्ध करना है, तो अपन को क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस एट को क्या लिख देंगे, एक्स प्लस टू का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। अब इसके बराबर में क्या है, इसको अपन को लाना है, तो इसको अपन को इस मेथड में लेके आना है, उसके लिए अपन लोग ट्राई करते हैं। तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यू, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या है, ए क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 8 प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ए प्लस बी एक्स प्लस 2, तो एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स क्यू प्लस 8 अंदर किया 6x² प्लस 12। ठीक, अब देखो अपन को चाहिए सिचुएशन ऐसी कि x प्लस 2 हो जाए अंदर। अब एक्स क्यू प्लस 8 ये आ गया, अपन को एक्स क्यू प्लस 8 का वैल्यू क्या लेके आना था, ये लेके आना था, एक्स क्यू प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ x प्लस 2 का होल क्यू है, इसका अपन को मान निकालना है, इसको अपन ने इस तरफ ला दिया तो एक्स क्यू प्लस 8 और ये इस तरफ पहुंच जाएगा एक्स प्लस 2 का होल क्यू, और एक्स क्यू प्लस 8 दिया हुआ है, एक्स प्लस 2 का होल क्यू है, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का 6x² और माइनस का 12। अब देखो एक्स प्लस 2 का होल क्यू माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अपन, एक्स प्लस 2 का होल क्यू माइनस का 6x, तो एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 का होल क्यू माइनस 6x इसमें कॉमन ले लिया, अपन को इस फॉर्म में बनाना है, यानी कि एक्स प्लस 2 इसमें दोनों में मिला के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस 2 कॉमन निकालना है अपन को, तो एक्स प्लस 2 इधर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक, अभी कुछ कुछ सॉल्व हुआ अभी बाकी है, एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर को अपन लोग खोल देते हैं, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 4x माइनस 6x। अब देखो अपना फाइंड आउट हो गया, अब इसमें क्या आएगा, एक्स प्लस 2 अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने
ये कंप्लीट कर लिया, ये x प्लस टू का होल क्यू का निकाले किस तरीके से क्या हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी थी उसको अपन ने और इस वे में लेके आ गए। ठीक है, अब देखो एक बार और समझ लो इसमें, इसमें एक्स क्यू प्लस एट बराबर ये निकालना था, तो इधर से अपन ने यूज किया कि ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि एक्स इसका एक्स प्लस टू का होल क्यू अगर अपन ज्ञात करेंगे तो एक्स क्यू प्लस एट बनेगा कहीं ना कहीं, तो उसका अपन ने यूज किया। और जब एक्स क्यू प्लस एट आ गया तो इसका वैल्यू अपन को निकालना था, तो इसको इस तरफ कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ये माइनस में हो गया, और एक्स प्लस टू इसमें कॉमन निकालना था, इसलिए एक्स प्लस टू अपन ने कॉमन निकाल लिया, जो भी बना बड़ा आराम से सॉल्व करते का ये आंसर अपना फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली है सब समकाम से रिलेटेड उसको अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।